स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर नजर डालेंगे शरद अब हमारे साथ स्टूडियो में जुट चुके हैं जो हमें बताएंगे आ, कौन से कौन से अपडेट्स आए हैं और इसी के साथ खबरों के दम पर दूसरे कौन से स्टॉक्स फोकस में जी बिल्कुल आशेषा खबरों में जो है, है नायका टाटा मोटर्स गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इनके ओवरऑल जो है अपडेट्स देखने मिले हैं बात करें सबसे पहले टाटा मोटर्स की तो इनके जो जे के आंकड़े आए हैं वो कमज़ोर देखने मिले हैं रिटेल सेल्स तीन परसेंट योनियो बेसिस पर गिरा है और जो प्रोडक्शन है वो भी इम्पैक्ट हुआ था क्योंकि उनकी जो आप कह सकते हैं एल्यूमिनियम सप्लाई की डिस्ट्रप्शन है वहाँ देखी गई है होल में भी गिरावट आया हालाँकि कंपनी की जो कमेंट्री आई है वहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो सेकेंड हाफ है विथ साल दो का यहाँ पे अच्छी मोमेंटम या रिकवरी देखने मिल सकती है नायका की बात करें तो यहाँ पे जो है अनुमान से बेहतर ऑपरेशनल आंकड़े आए हैं कंसोलिडेटेड रेवेन्यू मिड ट्वेंटीज़ यानी कि आप बाईस से लेकर सत्ताईस परसेंट तक का ग्रोथ जो है देखने मिल सकता है इस तिमाही में ब्यूटी सेगमेंट में भी जो है अच्छी प्रदर्शन देखी गई है और ओवरऑल रिटेल बिजनेस में भी बुलिश नज़रिया बना हुआ है फैशन की, की बात करें तो एन ग्रोथ होती है एन एस ग्रोथ होता है आपका नेट सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ ये जो है अर्ली टीन्स में हुई है यानी कि आप कह सकते हैं लगभग तेरह से लेके पंद्रह परसेंट तक शोभा हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा अगर ऑपरेशनल अपडेट्स की बात करें तो तो यहाँ पे जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं सेल्स वॉल्यूम 32 परसेंट गिर गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हालांकि रियलाइजेशन के अगर आंकड़े देखें तो यहाँ पे एक अच्छी उछाल देखने मिली है क्योंकि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन आने लगी है गुड़गांव प्रोजेक्ट से और ओवरऑल जो प्राइसिंग है वो भी बढ़ चुका है तो उसके कारण आपको एवरेज रियलाइजेशंस अच्छे दिख रहे हैं और ये जो है सारे ही मोस्ट ऑफ द रियल इस्टेट कंपनीज़ के ऑपरेशनल अपडेट्स में ये देखा जा रहा है कमेंट्री अगर बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर को फोकस में रखेगा लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे मिड सिंगल डिजिट आई सेल्स ग्रोथ है और वही अगर बात करें कंसोलिडेटेड एबिडा बेसिस पे तो मिड सिंगल डिजिट यानी कि आप कह सकते हैं तीन से लेकर सात परसेंट तक का ग्रोथ जो है यहाँ पे एबिडा में देखने मिल सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैनेजमेंट कमेंट्री क्या कहता है पाम के जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं और टिल डेट जो है आप कह सकते हैं मार्च एंड से हाई टीन्स लगभग 17 से लेकर 19 परसेंट तक का जो है ग्रोथ देखने मिल सकता है पाम के इनपुट कॉस्ट के लिए और एफएमसीजी कंपनीज़ के लिए खास करके गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में ये इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल कॉम्पोनेंट रहता है मैनेजमेंट हालांकि उन्होंने कहा है कि कोई प्राइस हाइक वो पास ऑन कस्टमर्स को अभी नहीं करेंगे अगर आगे करते भी है तो पार्ट बाई पार्ट करेंगे स्टेप्स में करेंगे इसके अलावा एमओ का भी जो है सेप्टेम्बर आंकड़े जो है स्ट्रॉन्ग आए बेस्ट है सेप्टेंबर सेल्स रहा और ये जो है ओवरऑल क्यू टू अपडेट्स देखने मिले लेकिन कुछ खबरों वाले शेयर्स भी हैं जिस पे हमें नज़र रखनी चाहिए सबसे पहले बी की बात करें तो 500 करोड़ का ऑर्डर जो है यहाँ पे देखने मिला है वही महानगर गैस यहाँ पे कंपनी लगभग 400 करोड़ इन्वेस्ट करेगी 40 परसेंट स्टेक पे और वो एक जे रहने वाला है ये जे इंटरनेशनल बैटरी कंपनी का है याद रखिए ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है एच बैंक जो है अपनी सौ स्टेक की जो है डाइवस्टमेंट करेंगी एच डी वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स को लेके अब इसका जो है टोटल सेल लगभग आप कह सकते हैं एक करोड़ का रहेगा राइट्स को लगभग 5.4 मिलियन डॉलर का ऑर्डर आया है निटो को रेल होल्डिंग से और आखिर में चर्चा वाली स्टॉक वो है ओला इलेक्ट्रिक कल भी स्टॉक में भारी गिरावट देखने मिली और आज जो है कंपनी को शो कॉज नोटिस मिल गया है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का पंद्रह दिन का इनको नोटिस मिला है रेस्पॉन्स का बहुत सारे कंप्लेन आए हैं नोटिस में मैंशन में किया है कि ओला ने जो है रिलायबल सर्विस नहीं दिया है अपने ग्राहकों को तो ये एक इम्पॉटेंट नेगेटिव डेवलपमेंट आ रहा है और इंटरेस्टिंगली जो हम कहते हैं ना प्र, आपके प्राइस बैंड रिविज़न वहाँ पे ओला का प्राइस बैंड रिविजन 10 परसेंट से 20 परसेंट बढ़ा दिया गया है तो आज भी जो है वॉल्यूम्स और एक्शंस इस स्टॉक में देखने मिल सकता है तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए और यहाँ पर आज मोमेंटम आ सकता है बिल्कुल तो कॉज नोटिस के चलते ओला इलेक्ट्रिक इसके अलावा कई सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स एफएमसीजी स्टॉक्स ऑपरेशनल अपडेट्स के दम पर फोकस में रहेंगे इसके अलावा कई स्टॉक्स को नए ऑर्डर्स भी मिले हैं सभी स्टॉक्स पर अपनी नजर रखें आगे बढ़ते हैं ब्रोकरेज